ऐसी बात चार घंटे से वैसे लगभग बदबक के अलावा कोई बात ही नहीं हो रही। चारों ओर से पुरुषों से घिरी मंच पर माइक हाथ में थामे ये 26 साल की भरतपुर सांसद संजना जाटव है। भारत की राजनीति में एक महिला का नेता बनने का सफर जितना मुश्किलों भरा है उतनी ही चुनौतियों भरा उस पड़ाव पर पहुंचने के लिए और उसके बाद उनके सामने खड़ी मिलती है चुनौतियां। आपकी स्क्रीन पर दिख रही 26 साल की जिस महिला सांसद पर कठुमर विधायक रमेश चंद खींची चीख चिल्ला रहे हैं, मेज पीट रहे हैं, वो इस बार 5 लाख से अधिक वोट लेकर के देश की सबसे बड़ी पंचायत में पहुंची है। ये वीडियो अलवर जिला परिषद की बैठक का है जहां सांसद ने कुछ दिन पहले कठुमर में हुई पंचायत मीटिंग में सरपंचों की ओर से विधायक को नोटों की माला पहनाने का मुद्दा उठाया, जिस पर विधायक साहब का गुस्सा सातवें आसमान पर पहुंच गया। ऐसी बात चार घंटे से वैसे लगभग बदबक के अलावा कोई बात ही नहीं हो रही। और कभी बात करी मेरे को पहनाई, मैं कहता हूँ ना मेरे को पहनाई, मैंने वापस सरपंच कर राजनीति मुद्दा हो गया। पहली बात तो ये बात नहीं। सोमवार को हुई मीटिंग जहां बहस देखी गई तो वही मीटिंग में कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक की मीटिंग में न आने को लेकर भी संजना जाटव भड़क गई। उन्होंने कहा कि एसपी कलेक्टर नहीं है तो मीटिंग का क्या फायदा, उन्हें के सामने समस्या को सुनाएंगे। बैठक में मौजूद अन्य अधिकारियों को सख्त हिदायत देते हुए संजना जाटव ने कहा कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि मीटिंग के अंदर आप जनप्रतिनिधियों के फोन ना उठाएं। वहीं मीटिंग खत्म होने के बाद बाहर आने पर मीडिया से बातचीत में संजना जाटव ने विधायक रमेश खींची के व्यवहार पर अपनी प्रतिक्रिया दी। दो तीन दिन पहले मीटिंग हुई थी, कलेक्टर मैडम ने भी आदेश दिए जाते मीटिंग की थी और साधारण सभा में सरपंचों को वीडियो मैडम सरपंचों को बुलवा करके और 1 लाख की माला फहराई थी। तो आप मुझे बताओ कि ये गलत है कि नहीं है। किसको पहनाई गई थी, किन लोगों ने पहनाई? बीजेपी के MLA साहब रमेश खींची को पहनाई जी। मैम आप सांसद सरपंचों ने और अधिकारी भी वहाँ मौजूद थे साधन सभा। अच्छा आपने जब आप बात रखी और उस दौरान जो MLA हैं सुरेश की जिस तरह उनका व्यवहार रहा, आपको लगता है एक सांसद की गरिमा पे कहीं ना कहीं हाथ नहीं होता? मेरे लिए बहुत निंदनीय व्यवहार है एक सांसद के लिए, क्योंकि मैं 8 विधानसभा पे और जिले की जिम्मेदारी मेरे पर है और उस तरीके से बहुत निंदनीय है। मैम आपको बकबक कर रही है, वो कह रहे हैं कि आप वैसे बकबक करे जा रहे हो, उस पर कुछ कहेंगे? उसके बकबक का क्या मतलब कहना चाहते हैं? मैं आपको कहना चाहती हूँ जो एक इनकी मानसिकता है ना बहुत छोटी छोच की, इतनी छोटी छोड़ जाए मतलब कि एक जनप्रतिनिधि को, वो भी MLA, मैं आज वर्तमान में सांसद हूँ, वो भी सांसद है, कोई किसी को भी इस तरीके से बेइज्जत नहीं किया जा सकती। मुझे आज भरी मीटिंग में बेइज्जत किया गया। मैं जिस तरह का व्यवहार एक विधायक का सांसद के साथ रहा उसे देखकर लगता है कि वह क्षेत्र में आगे और मामला गर्मा सकता है। आपको क्या लगता है कमेंट सेक्शन में कमेंट करके हमें जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।